हम सबके अंदर फाइव काइंड्स ऑफ डाउट्स होते हैं। गैस कर सकते हो कौन कौन सा डाउट होता है? पहला डाउट होता है शास्त्रों में, कहीं ना मैंने आप मिल गया शास्त्र किसने लिखे हैं, ये कोई व्यक्ति ने लिखे हैं, ये तो बदलते रहते हैं, ये तो केवल कहने की बातें हैं, कोई शास्त्र वास्त्र नहीं है, कॉमन सेंस से चलो, अपना किसी का बुरा मत करो, बस ये मत करो, सबका भला करो। अक्सर लोग ऐसे मिल जाते हैं, ये तो बहुत पुरानी चीज़ें हैं, किसने क्या देखा, सब कहानियाँ हैं, माइथोलॉजी हैं। ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने हमारे जितने भी वैदिक शास्त्र को क्या बोला, माइथोलॉजी। माइथोलॉजी मतलब क्या है? मिथ। ओके, फिर क्या है? डाउट इन द गॉड। जैसे ये कह रहे हैं कि भगवान है ही नहीं, आप इतनी मुझसे मेहनत करवा रहे हैं, 16 माला जप करवा रहे हैं, है ही नहीं कृष्ण कोई, आप ऐसे फालतू में हरे कृष्णा बोल रहे हो, सामने भोग लगा रहे हो, सब कर रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, सुबह जल्दी उठा रहे हो, अरे यार सुबह आराम से। गोल में ही डाउट है। ओके, फिर डाउट इन द प्रोसेस। चलो ठीक है, शास्त्र भी ठीक है, आपका गोल भी ठीक है, लेकिन ये जो प्रोसेस है, जस्ट बाय चैंटिंग 16 राउंड्स एंड डूइंग रेगुलर फॉलोइंग फोर प्रिंसिपल्स हम गोलोक धाम चले जाएंगे? नहीं नहीं, इतना आसान थोड़ी होगा। मुझे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़े, गोलोक धाम जाना इतना आसान? हाँ जी, इतना आसान है अगर आप करें। और चौथा डाउट क्या है? डाउट इन सेल्फ। स्क्रिप्चर्स भी ठीक कर रहे हैं, गोल भी ठीक है, प्रोसेस भी ठीक है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं एक अलग स्पेशल जीव हूँ, है ना। बड़े बड़े लोगों ने मेरे पे मेहनत की, सब हार गए। HNS, हम नहीं सुधरेंगे, आप जो मर्जी कर लो, मैं चिकना खड़ा हूँ, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ, आप नहीं जानते मेरा बैकग्राउंड क्या है। और पांचवा डाउट है डाउट इन रिकनसाइलिंग द कंट्राडिक्शंस। हम शिव पुराण बोलते हैं, पढ़ते हैं तो मानो शिव जी महान है, देवी भागवतम पढ़ते बोले दुर्गा जी महान है, आप लोग बोलते हैं कृष्ण महान है, कौन है भाई बता दो हमें, हमें समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो अलग अलग जो बातें हैं उसको हम रिकनसाइल नहीं कर पाते, राइट। कि पांच प्रकार के डाउट्स हैं। अब जिसमें पक्की श्रद्धा होगी उसके सारे के सारे पांच डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, उसके अंदर क्लैरिटी ऑफ माइंड आएगी, माइंड कितना क्लियर होगा। जब क्लैरिटी ऑफ माइंड होती है तो फिर क्या होता है, स्पीड हमारी बढ़ जाती है। जिसके अंदर जितनी श्रद्धा होगी ना उसके अंदर उतने गट्स होंगे,